और मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को जी माता जी जी माता जी अध्याय शुरू करने से पहले कल का जो हमारा श्लोक था अध्याय सात का सॉरी अध्याय छह का जो हमारा लास्ट श्लोक था श्लोक संख्या फोर्टी सेवन तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग तो उस श्लोक को एक बार लर्न करने का या फिर याद करने का प्रयास करिएगा कि आप में से किसी ने उसे पढ़ा उसे बताना चाहते हैं श्लोका को मैं एक बार रिसाइट करती हूँ श्लोक को योगिना सर्वेशा मद्गते श्रद्धावान भजते यो मुक्त तमो मत कोई करना चाहता है रिसाइट श्लोक को देख के भी कर सकते हैं आप अगर याद नहीं है तो याद करने का प्रयास करिए लेकिन जब तक याद नहीं है तब तक आप देख करके भी बोल सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहता है तो देख के भी बोल सकते हैं जी विभू प्रभु जी आप बताइए हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण योगी नाम पी सर्वेशा, यो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी और भी कोई बोलना चाहता है, है श्लोक आप लोग प्रयास करिए कि देख के भी बोले ऐसा नहीं है कि बिना देखे आपको बोलना है आप देख के भी श्लोका बोल सकते हैं तो यहाँ पे अब जो सातवा अध्याय हम आज शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग तो हमने पहले छह अध्यायों में योग की विधियों के विषय में पढ़ा योग की विधियों के बारे में जाना पिछले अध्यायों में भगवान ने अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया इस श्लोक के माध्यम में जो अभी हमने रिसाइट किया छठे अध्याय का फोर्टी सेवन श्लोक योगी नाम अपने सर्वेशा मतगते नंतरात्मना भजते यो म समय तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि समस्त योगियों में जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ भक्ति करता है भगवान साफ साफ अक्षरों में स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक भक्ति करता है लेकिन समस्त योगियों में जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है तो भगवान ने ये छठे अध्याय में ये बात स्पष्ट कर दी है अपना मत प्रस्तुत कर दिया है तो पूरी भगवत गीता में अब हमें ये पढ़ना हमने की पढ़ने को मिलता है कि भगवान से कैसे प्रेम बढ़ाया जाए मैंने कि इस भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम भगवान से अपनी प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आसक्ति को यानी कि अपने अटैचमेंट को हमें कहाँ लगाना है ये भी हमें भगवदगीता से जानने को मिलता है तो पहले के छह अध्याय में हमने पढ़ा कि अपने कर्म फलों से यानी कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फलों से किस तरह से हमें अपनी आसक्ति को हटाना है और उस आसक्ति को हमें कहाँ पे लगाना है ये हमें अध्याय सात से बारह में भक्ति योग जो हमारा अध्याय होगा उसमें हमें जानने को मिलेगा जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि दुर्योधन और धित्राष्ट्र धित्राष्ट्र दुर्योधन के जो पिता थे वो जन्मांध्य जन्म से ही उनको आंखें नहीं थी उनको ज्योति आंखों में उनकी ज्योति नहीं थी तो उन लोगों की आसक्ति क्या थी उन लोगों की आसक्ति जो थी वो भौतिक चीजों से थी पर जो एक भक्त होता है उसकी आसक्ति कैसी होती है उसकी आसक्ति जो होती है भगवान से होती है तो ये महाभारत का जो युद्ध हुआ वो इसीलिए तो हुआ क्योंकि दुर्योधन और उनके जो पिता धृतराष्ट्र थे वो क्या चाहते थे वो राज्य चाहते थे वो राज्य का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा भी पांडव को नहीं देना चाहते थे इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ तो जो ये इनकी जो इतनी आसक्ति थी राज्य के प्रति उसी की वजह से हमें महाभारत का युद्ध जो है वो देखने को मिला था लेकिन जो ये बीच के अध्याय अभी आने वाले हैं अध्याय सात से लेकर अध्याय बारह के बीच में अध्याय सात से अध्याय बारह वो बिल्कुल एक सैंडविच में जिस तरह से बीच में क्रीम लगा होता है बटर लगा होता है बिल्कुल वैसे ही होता है या फिर एक उदाहरण के रूप में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी दूर यात्रा में जाते हैं और अपना सामान अपने सूटकेस में लगाते हैं लगेज अपना जब तैयार करते हैं तो अगर कोई कीमती सामान होता है किसी शादी में जा रहे हैं किसी रिश्तेदार के घर पे और हम कोई कीमती सामान लेके जा रहे हैं तो मुझसे अगर सूटकेस में रखना है तो हम कहाँ रखते हैं एकदम बीचों बीच में ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी जहाँ पे हमारा जो सामान है हमारा जो कीमती सामान है वो सेफ है सेफ है उसी तरह से ये जो हमारा सातवां अध्याय से लेके बारवा अध्याय इसको बीचों बीच में रखा गया है जो कि बहुत ही अस्पेशियस है जो भगवान भक्ति योग के विषय में बताने जा रहे हैं तो ये छह अध्याय जो है ये आनंद प्रदान करने वाले हैं यानी कि अध्याय सात से लेकर अध्याय बारह तक ये जो छह अध्याय है ये आनंद प्रदान करने वाले हैं इसीलिए इन्हें बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया है तो इस अध्याय की शुरुआत जो है जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे श्री भगवान उवाचा यानी कि इस अध्याय की शुरुआत जो है वो भगवान द्वारा श्लोक से प्रारंभ किया जा रहा है तो जब भी किसी अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं भगवान उवाचा यानी कि भगवान के श्लोक के माध्यम से शुरू होता है जब कोई अध्याय बिना अर्जुन के किसी प्रश्न के तो इसका अर्थ ये होता है कि वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान स्वयं हमें कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाह रहे हैं उस अध्याय के माध्यम से तो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जो भगवान बिना किसी प्रश्न के देने जाते हैं तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो इसी के साथ हम लोग अपना पहला श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं अवंतिका माता जी आप कर सकते हैं देन उसके बाद विभो जी आप भी कर सकते हैं जी मत ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद् गीता अथ सप्तमो अध्यायः श्री भगवानुवाच मैया सक्त मनापार्थ पार्थ योगयुं जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तत्पर श्री भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकती हो रे कृष्ण माता जी यहाँ पे देखिए कुछ जो शब्द है श्लोका के माध्यम से भगवान ने बहुत अच्छे बताए हैं पहला तो है मैया असक्त मना ये जो वर्ड आप देख रहे हैं संस्कृत में मैया आसक्त मना तो इसका अर्थ है कि मुझ में आसक्त मन वाला यानी कि भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन अपनी आसक्ति को मुझ में लगाओ इस तरह से अगर तुम मुझ में अपनी आसक्ति को लगाओगे तो तुम्हारे जितने भी संशय हैं वो स्वयं ही दूर हो जाएंगे तो भगवान आगे भी कह रहे हैं ना कि असंशयम समग्रम ये भगवान कह रहे हैं असंशयम समग्रम यानी कि जो जो तुम्हारे संशय हैं समस्त संशय जो तुम्हारे हैं वो दूर हो जाएंगे तो भगवान एक तरह से अर्जुन के माध्यम से वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी आसक्ति भगवान में लगाएं तो हम पूरी तरह से संशय रहित हो सकते हैं जैसे कि मैंने अभी क्लास की शुरुआत में बताया कि अध्याय छे तक भगवान ने बताया कि हमें कर्म फलों से मुक्त होना है हमें उनसे अनासक्त होना है उनसे अपनी आसक्ति को हटाना है फिर हमने मैंने ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि फिर आसक्ति हमें लगाना कहाँ है ना आसक्ति तो ये तो स्वभाव है हमारा आसक्ति तो हमें कहीं ना कहीं होना है लेकिन वो आज जो कर्म फलों में ना लगा करके हमें कहाँ लगाना है ये भगवान अध्याय सात से लेके अध्याय बारह के बीच में बताने जा रहे हैं तो देखिए पहले ही श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम अपनी आसक्ति को मुझ में लगाओ अगर तुम अपनी आसक्ति को मुझ में लगाओगे तो पूरी तरह से तुम संशय रहित हो जाओगे तो आज का जो ये अध्याय है इसमें हम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में भी जानेंगे कि भगवान के ऐश्वर्य किस प्रकार से हैं और ऐसे कौन से चार लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं और कौन है वो ऐसे चार लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं और यहाँ पे एक और शब्द जो भगवान ने बोला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तक्षिणु तक्षिणु शब्द का अर्थ होता है कि सुनो यानी कि ध्यान से सुनो तो भक्ति में सुनना यानी कि श्रवण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वेरी पावरफुल प्रोसेस जब तक हम अपने श्रवण की क्षमता को स्ट्रांग नहीं करेंगे जब तक हम अपने आचार्यों को नहीं सुनेंगे जब तक हम भगवत गीता के माध्यम से जो भगवान के द्वारा गाई गई ये गी गीता है इसको नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि जब हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं तो श्रवण रूपी जो नाम होता है जो नाम हम श्रवण कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे हृदय में क्या होता है प्रविष्ट होता है और फिर हृदय रूपी जो हमारा मंदिर है फिर वहां वहां पर भगवान जो होते हैं वो प्रकट होते हैं और इस तरह से भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध स्थापित होता है तो श्रवण करना नवधा भक्ति भी जो हमारे नाइन स्टेजेस बताए जाते हैं भक्ति के वहां भी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो श्रवण से ही होती है देन उसके बाद कीर्तन स्मरण अर्चनम इस तरह से ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है तो नवदा भक्ति में सबसे पहले हमारा श्रवण आता है क्योंकि श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय की जो कलमश होते हैं जो हमारा चेतो दर्पण होता है जो हमारे चित्त का जो एक दर्पण है जो मैला हो चुका है उसका मार्जन श्रवण माध्यम से ही हो सकता है तो भक्ति में जैसे मैंने बताया श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम ये ये नौ चरण ये नौ भक्ति के आते हैं नवदा भक्ति में तो सुनना जो भक्ति का प्रोसेस होता है ये सबसे पहला सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है नवदा भक्ति ना तो इस विधि से क्या होता है हृदय के जो हमारे कलमश हैं जैसे मैंने भी आपको बताया दूर होते हैं भगवान फिर हमारे हृदय में स्थापित हो हो अगर अगर हम हम, अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे भगवान का नाम तब हमारे हृदय के दूर होंगे हृदय में स्थापित हो सकते हैं इसीलिए भगवान ने हमें क्या दिया है दो कान दिया है और एक मुख दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि बोलो कम सुनो ज्यादा यानी कि हमें बोलना कम है और भगवान के नाम का श्रवण ज्यादा करना है बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कहो कि हम भगवान के नाम का कीर्तन बोलने का की ये कि हमें जो ये प्रजल्पा होता है ना प्रजल्पा नहीं करना है हमें भगवान से जब भी बोलना है भगवान से संबंधित बात को ही बोलना है हमें प्रजल्प नहीं करना है प्रजल्पा अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हम उसमें फंस जाएंगे और जब उसमें फंस जाएंगे तो वही हमारे चित्त में आना शुरू हो जाएगा फिर श्रवण माध्यम से भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे इसीलिए जब भी सुनो भगवान के विषय में सुनो एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए और एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए तभी भगवान यहाँ पे अर्जुन से भी कह रहे हैं कि अब सुनो यानी कि अर्जुन जो मैं आप कहने जा रहा हूं उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो श्लोका संख्या दो हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी माता जी आ रही है हरे कृष्णा माता जी आ रही है जी दीप विभोर प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको हरे कृष्णा हरे कृष्णा ज्ञानम हम सभी ज्ञान इदम वक्षा मशेषतः

पुनर रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा हरे कृष्णा हरे कृष्ण तो भगवान जो है हम भगवान ही ऐसे है जो हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं तो ऐसे ईशोपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ईशोपनिषद में एक श्लोक है ओम पूर्ण मधनमिधम पूर्णात पूर्ण मुदच्य ते पूम आदाया इसे जो श्लोक मैंने अभी बोला इसे ईश स्तुति भी बोला जाता है जी बताता है ये श्लोक हमें बताता है कि भगवान जो है वही पूर्ण है और भगवान से जितनी भी इकाइयां निकलती हैं वो भी क्या होती हैं पूर्ण होती हैं तो ए, लेकिन हम अगर अपने आप को देखें तो हम पूर्ण नहीं है हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते क्योंकि हम में जो है बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं जिनमें से चार जो कमियां हैं वो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं वो कमियां हैं जैसे कि धोखा देना इंद्रियां जो है हमारी अपूर्ण हमारी इंद्रियों का अपूर्ण होना हम गलतियां करते हैं और धोखा खाने की भी प्रवृत्ति हमारी होती है हम आसानी से धोखा भी खा जाते हैं तो इन कमियों के कारण जो है हम कभी भी पूर्ण ज्ञान जो है हमें प्राप्त हम किसी को कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो भगवान अब हमें क्या भगवत गीता के माध्यम से पूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भक्ति तो बहुत अच्छी है तो फिर सभी को ही भक्त बन जाना चाहिए ना फिर क्यों कोई ऐसा नहीं करता है क्यों कुछ लोग अभक्त होते हैं कुछ लोग भक्त होते हैं तो ये इसका जवाब जो है भगवान अब इसके बाद के श्लोक में देने जा रहे हैं लेकिन भक्ति जो ये प्रोसेस है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर भक्ति जैसी कोई चीज है तो भगवान जैसे पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं इसके बारे में सभी भगवत गीता पढ़ के क्यों नहीं भक्त हो जा रहे हैं या फिर क्यों नहीं हर कोई भक्त हो जा रहा है तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है सभी का लेकिन ऐसा नहीं होता है हर कोई भक्त नहीं बन पाता है कभी कभी बहुत सारे लोगों के पास भगवत गीता रखी रहती है बहुत सालों तक रखी रहती है इससे मैंने बहुत सारे लोगों के से सुना है उनके मुंह जुबानी सुना है कि उन्होंने बताया है कि मेरे पास भगवत गीता इतने सालों से चार साल से पांच साल से छह साल से रखी हुई थी लेकिन मैंने कभी नहीं उठाया पढ़ने के लिए तो ये भगवान की कृपा से ही और साधु संतों की कृपा से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन भी कर पाते हैं तो देखते हैं भगवान श्लोक नंबर तीन में हमने क्या बताने जा रहे मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद्य तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् तत्वतः तात्पर्य ता कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जो भगवान ने बताया कि कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है अब जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जब आपने 18 डेज भगवत गीता का क्लास किया था तो और कि आपको जरूर एक लिंक मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या किसी सोशल साइट के जरिए आपको ये लिंक मिला होगा और आपने उस लिंक के थ्रू आपने भगवदगीता एटीन डेज तो का कोर्स ज्वाइन किया होगा ना इस बेंगलुरु में तो आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया और करीब हजारों में हजारों की संख्या में लोगों ने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया लेकिन लिंक तो बहुत सारे लाखों लोगों को मिला लेकिन हजारों लोगों ने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया स्पोर्ट्स में रजिस्टर किया और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी कर लिया उन लोगों ने फिर क्या हुआ क्लास की लिंक मिली लगातार जो है नोटिफिकेशन मिलता रहा क्लास की लिंक का आया डेट की आपको इस दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है आपको ज्वाइन करना है करीब मान लीजिए पांच सौ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया लेकिन उसमें से क्लास की लिंक मिलने के बाद क्लास में कितने लोग आए ज्यादा से ज्यादा सौ डेढ़ सौ दो सौ लोग आए होंगे ना लोग अपने आप ही वहां से निकल गए उसके बाद एक दिन दो दिन तीन दिन पांच दिन के बाद क्या हुआ मास्क से लोगों की संख्या कम होनी शुरू हो गई हो सकता है डेढ़ सौ से अब वो सौ पे आ गए हों या फिर अस्सी पे आ गए हों सत्तर पे आ गए हों तो इस तरह से और लोग छट गए ना उसके बाद आपका अठारह दिन का कोर्स कंप्लीट हुआ और आपको लेवल टू की लिंक मिली कि जो आगे अः कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लेवल टू ज्वाइन कर सकते हैं तो जो अस्सी नब्बे लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में पांच लोग थे अस्सी नब्बे लोगों ने जो क्लास ज्वाइन किया उसमें से क्या हुआ पचास लोगों ने लेवल टू के लिए रजिस्टर किया हो सकता है ग्रुप में आपको देखने को मिले कि डेढ़ सौ लोगों ने क्लास लिंक ज्वाइन किया या सौ लोगों ने लिंक ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और जब लिंक मिला लेवल टू की क्लासेस स्टार्ट हुई तो आज क्लास में कितने लोग हैं देखिए तेरह लोग हैं बस और मुझे छोड़ दिया जाए तो बारह लोग हैं क्लास में तो इस तरह से क्या हुआ धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं छटते जा रहे हैं ना कहा पे हजार लाखों में लोगों ने लिंक को देखा और आज क्लास में कितने लोग हैं केवल बारह लोग बैठे हुए हैं तो इस तरह से धीरे धीरे लोग छट रहे हैं तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई एक ही उन्हें जान पाता है तो आप आप ये मान लीजिए कि जो आप लोग आज क्लास में बैठे हुए हैं मैं खुद भी अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं क्लास में बैठी हुई और गीता पे हम चर्चा कर रहे हैं हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम भगवान के कहे गए ये जो गीता है क्योंकि ये भगवान के स्वयं की वाणी है और जो भी शास्त्र है ना वो किसी भक्त ने लिखे हैं भगवान के विषय में लिखे हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में लिखा गया है लेकिन ये जो भगवत गीता है ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे स्वयं भगवान की वाणी है जो भगवान ने अर्जुन को बोली है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध क्षेत्र में तो ये जो हमें पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है।, है हम कि हमें भगवत गीता इस तरह से पढ़ने का मौका मिल रहा है और हम विचार विमर्श कर रहे हैं हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं ये भगवान की कृपा माननी चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम लोग शायद भगवान ने उन विरला लोगों में भगवान ने हमें चुना है कि हम भगवान की भगवदगीता को पढ़ने का हमें सौभाग्य मिल रहा है ना तो हुए ना हम लोग गिरला जितने लोग हम लोग क्लास में बैठे हैं ठीक है हम लोग बहुत अच्छा तो भाई हमें तो दोष है अभी हमने पीछे पढ़ा कि मनुष्य में दोष पाए जाते हैं उन दोष के साथ हम पढ़ रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वो लोग जो पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं उनसे तो बहुत फार बेटर है कि कम से कम हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं प्रभुपात के तात्पर्य पढ़ रहे हैं अनुवाद पढ़ रहे हैं ना तो एक तरह से हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात हुई कि हमें कम से कम इतना पढ़ने के लिए भगवान के विषय में जानने को मिल रहा है श्लोक संख्या चार भूमिरापो न लोभायु हम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति रस्प्रदा भावार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार के ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण यहाँ पे अब भगवान जो अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं भूमिरो अनो वायु खम मनो बुद्धि रे वजा तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं पराशक्ति होती है भगवान की और एक अपरा शक्ति होती है तो भगवान यहाँ पे अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं यानी कि जिसे इन्फीरियर एनर्जी भी बोला जाता है तो यहाँ अपनी भगवान अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये भगवान की अपरा प्रकृति है तो यही चीज भगवान यहाँ पे इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ प्रभुपाद ने अपने पॉपट में लिखा है कि भौतिक शक्ति आठ प्रधान रूपों में व्यक्त होती है इनमें से पा, प्रथम पांच पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टिया कहलाती हैं जिनमें पांच इंद्री विषय जिनके नाम हैं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित है भौतिक विज्ञान में यही दस तत्व हैं किंतु अन्य तीन तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं तो इस तरह से प्रभुपाद अपने अः में भी इस अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं श्लोक संख्या पांच अपरेयमि अपरेयमे तस् त्वन्यम प्रकृतिं वित्तिमे पराम जीव महाबाहो ये दं धार्यते जगत तात्पर्य हे महाबाहु अर्जुन इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं हरि कृष्ण जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती है पर और अपरा तो पीछे के श्लोक में नंबर चार में भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बताया अब इस श्लोक में भगवान अपनी परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं जिसे कि सुपीरियर एनर्जी बोला जाता है तो आत्मा जो जीवात्मा है वो भगवान की क्या है पराशक्ति यानी कि हम यानी कि हमारी जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी पराशक्ति अपराशक्ति का दोहन कर रही है ना भगवान ऐसा लिख रहे हैं यानी कि शोषण कर रही है तो इसी कारण से जो जीवात्मा है वो भगवान को नहीं जान पाती तो जैसे कि हम आत्मा हैं तो हम स्वयं को क्या मानते हैं अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन है तो मैं बताऊंगी कि मेरा नाम ये है मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा परमात्मा के विषय में पता है तो अगर उससे पूछा जाए आप कौन है तो कहेगा क्या कहेगा कि मैं आत्मा हूँ ना वो अपने आप को शरीर के भाव से नहीं अपने आप को आत्मा के भाव से जानेगा तो पंच तत्व जो अभी हमने पढ़ा पंचतत्व यानी कि भूमि अग्नि वायु जल आकाश ये जितने भी हैं और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ हम अपने आप को मानते हैं हमेशा यानी कि शरीर के दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं हम अपने आप को भगवान की जब हम अपने को शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि हम भगवान की शक्ति है ऐसा हम मानते हैं और इस तरह से जब भगवान की अपरा शक्ति हम अपने आप को मानने लगते हैं तो भगवान की तरफ हम नहीं जा पाते क्योंकि हम फिर पदार्थ में ही यानी कि भौतिक जो ये प्रकृति भगवान की है इंद्रिय तृप्तियों में भौतिक प्रकृति में हम फंस करके रह जाते हैं लेकिन जब हम अपने आप को भगवान की पराशक्ति मान लेते हैं हम अपने आप को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हम अपने और भगवान के संबंध को जान पाते हैं लेकिन ऐसा बहुत ही विरला लोगों के साथ देखने को मिलता है जैसा कि भगवान ने अभी ऊपर बताया जगत प्रभव प्रलय तथा भवार्थ सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है इस जगत में जो भी जो, जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझमें ही जाना हरे कृष्ण यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में यानी कि भगवान की जो परा और अपरा ये दो शक्तियां हैं भगवान बता रहे हैं कि सारे ही प्राणियों का उद्गम जो है वो इन्हीं दोनों शक्तियों में से होता है तो इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानू यानी कि भगवान ही हर चीज का आ, उत्पत्ति भी है और भगवान ही सबके प्रलय के कारण भी है। तो इस जगत में जो भी भौतिक चीज है, जो भी आध्यात्मिक है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है और सब कुछ भगवान में ही समाहित हो जाता है। तो ब्रह्म समीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है एको पशुरचयि तुम जगदंड कोटिम यक्ष्त तो श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से भगवान जो है वो सभी के उत्पत्ति के भी कारण है और भगवान ही सही सबका प्रलय भी होता है तो कौपात भी अपने पटपट में लिखते हैं कि आत्मा तथा पदार्थ यानी कि पदार्थ यानी कि भगवान की अपराशक्ति हो गई और जीवात्मा यानी कि भगवान की पराशक्ति हो गई तो आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं यानी कि परा और अपरा प्रकृति जो जो है शक्तियां भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है यानी कि ये अपरा और परा शक्ति जब उनका संयोग होता है तभी ब्रह्मांड जो है प्रकट होता है यानी कि भगवान से ही उनकी उत्पत्ति होती है कारुण दक्षाई विष्णु जो कि ब्रह्मांड के प्रकट होने के कारण होते हैं अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है यानी कि सभी का जो समस्त कारणों के जो कारण है वो कौन है सिर्फ भगवान ही है श्लोक संख्या सात पर धनजय मई सर्विदम सूत्रे मणिगणा तात्पर्य हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है हरे कृष्ण हरे कृष्ण मतल जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा श्लोक है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो हर चीज में व्याप्त है किस तरह से व्याप्त है बिल्कुल वैसे ही व्याप्त है जैसे कि धागे में मोतियां पिरोई जाती हैं जैसे कि धागे में सभी मोतियां टिकी रहती हैं जो मोती की माला होती है उसमें क्या होता है एक लंबा सा धागा होता है और उसमें बहुत सारी मोतियां जो है वो टिकी रहती है ना? तो भगवान जो है वैसे ही सब जगह व्याप्त है ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान व्याप्त नहीं है भगवान सब जगह परमात्मा रूप में शक्ति के रूप में भगवान व्याप्त है भगवान सब चीज में है और सभी चीज भगवान नहीं है देखिए भगवान जो है वो सब चीज में है पर सभी चीज क्या है भगवान नहीं है भगवान जो है वो उन सबसे अलग है बिल्कुल वैसे ही जैसे मोती में धागा अगर धागा टूट जाए तो क्या होगा मोती जो होगी वो बिखर जाएगी तो भगवान धागे के रूप में सभी मोतियों को अपने साथ पिरो करके रखते हैं लेकिन कभी भी धागा जो है वो मोतियों के जो है आ, लिप्त नहीं होता मैंने की वो करके भी उसमें नहीं होता है तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान सब चीजों में है पर सभी चीज भगवान नहीं है बिल्कुल वैसे ही जैसे धागा जो है मोती में है पर उससे अलग भी है ना जैसे मोतियां जो है वो ऊपर नीचे ट्रेवल ऊपर नीचे हो सकती है धागे में धागे में पूरी तरह से लिप्त नहीं होती है लेकिन धागे में पिरोई भी रहती है उसी तरह से भगवान भी सब जगह व्याप्त है सब चीजें भगवान पे ही इसी तरह से आश्रित रहती हैं। श्लोक संख्या आठ प्रभा शशि कुंती पुत्र मैं जल का स्वादु सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं आकाश में ध्वनि हो तथा मनुष्य में सामर्थ्य हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण अब भगवान यहाँ पे कुछ ऐश्वर्य के बारे में बताने जा रहे हैं भगवान आप अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम किस प्रकार मुझे अनुभव कर सकते हो वो मैं तुम्हें बताता हूँ तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि आप लोग हम मुझे तुम लोग मुझे कैसे अनुभव कर सकते हो तो भगवान कह रहे हैं कि रसो हम यानी कि हे कुंती पुत्र में जल का स्वाद हूँ सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य तो की शक्ति जो है वो हम हर जगह अनुभव कर सकते हैं ना सभी चीजें जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट से बनी हुई है हर चीज जैसा कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि सभी चीजें किसी ना किसी एलिमेंट से बनी हुई है और अंदर जाने पे हमें और भी पता चलता है कि सभी जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई है फिर भी सभी के गुण देखिए कितने अलग अलग है ना नहीं की जब हम केमिस्ट्री वगैरह में साइंस में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम्स में पाए जाते हैं सभी चीजें एटम की बनी हुई है सभी चीजें एलिमेंट की बनी हुई है लेकिन फिर भी सभी के गुण कितने अलग होते हैं एक दूसरे से तो भगवान जो कह रहे हैं कि ये अलग अलग गुण जो है भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी ही वजह से है यानी कि बाहर से सब एक ही मैटर के बने हुए हैं पर गुण जो है वो कैसे आ रहे हैं भगवान की वजह से आ रहे हैं जैसे भगवान कह रहे हैं कि जल का अनुभव जो है वो स्वाद से किया जाता है भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ अगर आपको जल का अनुभव करना है तो आप सिर्फ उसके स्वाद से जल का अनुभव कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं जैसे आजकल गर्मियों का समय चल रहा है आप बाहर से आए धूप से आए आप बहुत थके हुए हैं अगर आपको उसमें बोला जाए कि ये लो गुलाब जामुन खा लो ये लो पेस्ट्री खा लो तो आप कहोगे नहीं मुझे अभी सिर्फ पानी चाहिए सिर्फ मुझे पानी चाहिए और मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए उस समय जो पानी का स्वाद होता है अगर आपको उसमें पानी आप जब पीते हैं और उस समय जो आपको पानी का स्वाद मिलता है उसका एक अलग ही अनुभव होता है आप सभी ने इस अनुभव को ये ये अनुभव आप सभी ने किया होगा तो जब आप पानी पिए कभी भी तो आप उस समय जरूर स्मरण करें कि ये जो पानी हम पी रहे हैं इसका स्वाद क्या है भगवान है भगवान कह रहे हैं ना मैं जल का स्वाद हूँ अब ऐसा नहीं कि बगवान है कि जल का स्वाद भगवान है भगवान इस तरह से अपने जो शक्तियां हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान का ऐश्वर्य जो है वो देखने को मिलता है भगवान कह रहे हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में मैं क्या हूँ सामर्थ्य हूँ फिर भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उषमा हूँ मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ तो यहाँ पे भगवान संख्या नौ में हमें बता रहे हैं कि इस जगत में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई सुगंध जरूर होता है ना कभी कभी बहुत से लोग स्मेल करके चीज को समझ समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है हाँ 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 फिर स्मेल करके उनको पता चलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये यही चीज है हम लोग ये ये बिल्कुल हम जो मसाला लेने आए थे ये वही चीज है फिर स्मेल से देखते हैं कि ये चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी है तो हर वस्तु की कोई ना कोई सुगंध होता है फूलों में भी सुगंध होता है जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि में भी सुगंध होती है जब बहुत आ, मिट्टी सूखी हुई हो जो पहली बारिश होती है तो वो जो सुगंध आती है मिट्टी की कभी आप आप सभी ने उसका अनुभव किया होगा कितनी की उसके लिए मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा है कि कितनी सोंधी हमारे यहाँ बोला जाता है कि बहुत ही सोंधी सोंधी स्मेल आ रही है वो स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी की आदि सुगंध मैं हूँ अग्नि की ऊष्मा मैं हूं मैं समस्त जीवों तथा तपस्वियों का तब भी हूँ तो अग्नि के बिना क्या है ना कोई फैक्ट्री चल सकती है ना कोई भोजन पक सकता है तो ये अग्नि कौन है ये अग्नि भगवान का ऐश्वर्य है है भगवान भगवान स्वयं वो उसी तरह से हमारा जो पेट है उसमें भी एक अग्नि पाई जाती है जिसे बोलते हैं जठर अग्नि तो ये अग्नि हमारे पाचन के लिए बहुत आवश्यक होती है अगर ये अग्नि हमारे पेट में अग्नि उत्पन्न ना हो जठर अग्नि उत्पन्न ना हो तो हमारे पेट में खाना भी खाने का पाचन भी नहीं हो सकता है फिर भगवान श्लोका दस में कह रहे हैं कि यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी हूं तो भगवान क्या है समस्त पदार्थों के बीज है जब भी कोई पौधा उत्पन्न हो होने वाला है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है बीज बिना बीज के पौधा जो है उत्पन्न नहीं हो पाता है तो उसी प्रकार से जितने भी चर अचर जितने भी जीव हैं चाहे वो पक्षी है चाहे वो पशु है मनुष्य हो समस्त अन्य जितने भी सजीव प्राणी होते हैं चाहे वो पेड़ पौधे अचर हो चाहे सजीव प्राणी चर हो वे सभी जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं यानी कि भगवान ही सभी के जीव हैं तो भगवान कौन है आदि पुरुष है तो आदि पुरुष के रूप में भगवान समस्त वस्तुओं के उद्गम है वही मूल है सभी के जैसे एक वृक्ष को क्या होता है मूल से पालन करना होता है ना उसका जो मूल यानी उसकी जो जड़ होती है वहां पे जब हम पानी डालते हैं तभी उस वो वृक्ष जो है वो हरा भरा रहता है उसी तरह से जस, जस जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी के मूल कौन है भगवान है फिर भगवान आगे कहते हैं मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो यहाँ पे भगवान जो है श्लोका संख्या ग्यारह के माध्यम से बता रहे हैं कि बलवान पुरुष जो होते हैं उनकी जो शक्ति है वो शक्ति का उपयोग जो है वो दुर्बल लोगों की रक्षा करने में लगाते हैं ऐसे लोगों के जो ऐसे बलवान पुरुष जो जो होते हैं उनका बल हूं। यानि कि लोग अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने के लिए करते हैं भगवान कह रहे हैं मैं उनका मैं ऐसे लोगों की मैं ऐसे बलवानों का बल नहीं हूं बल्कि मैं ऐसे बलवानों का बल हूं जो कि दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए अपने बल को लगाते हैं इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे फिर श्लोका नंबर बारह में भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वो सतो गुण हो रजो गुण हो या तमो गुण हो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ मैं स्वतंत्र हूं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वे मेरे अधीन है तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि अर्जुन से कि ये समझ लो अर्जुन कि जो जितने भी शक्ति के बारे में तुम जान रहे हो जितने भी गुण ये सब प्रकट होते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे ही कारण प्रकट होते हैं मैं इन सब से स्वतंत्र हूँ ये सब मेरे कारण तो है लेकिन मैं इनसे स्वतंत्र हूँ मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं अपितु वो मेरे अधीन है तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि माया के जितने भी गुण है माया के सभी गुण यानी कि चाहे वो रजोगुण हो तमोगुण हो या फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण जितने भी गुण है वो सभी भगवान के अधीन है इसीलिए भगवान को क्या बोला जाता है गुड़ातीत बोला जाता है यानी कि जो गुणों के ऊपर है जिसके ऊपर माया जो प्रकृति की माया है माया के जो गुण है जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता वो लोग क्या कहे जाते हैं गुड़ातीत कहलाते हैं तो भगवान जो है वो गुड़ातीत है क्योंकि माया के जो गुण है वो भगवान के अधीन नहीं है भगवान के ऊपर माया के गुणों का कोई प्रभाव नहीं है तो हम जितने भी कार्य करते हैं हम मनुष्य जितने भी कार्य करते हैं वो इन तीन गुणों के अंदर में रह करके करते हैं यानी कि हम सत्तो गुण में रह के कोई कार्य करते हैं या रजोर गुण में रह के कार्य करते हैं या फिर तमो गुण में रह के कार्य करते हैं पर भगवान क्या होते हैं इनसे ऊपर होते हैं लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो भगवत भक्त होते हैं वो भी भगवान के आशीर्वाद से भगवान की कृपा से वो भी गुणातीत हो जाते हैं उनके ऊपर भी माया के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अवंतिका माता की श्लोक का संख्या तेरा पढ़ सकते हैं। तो तात्पर्य तीन गुणों रजो सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोह ग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी तो यहाँ पे तेरव श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बताना चाह रहे हैं तो भगवान ने जैसा कि हमने सातवां अध्याय जब पढ़ना शुरू किया तो भगवान ने पहले अपने बारे में बताया फिर क्यों भक्ति योग श्रेष्ठ है ये बताया फिर बताया कि इसकी तरफ जो है बहुत सारे लोग आकर्षित तो होते हैं पर तक क्या होता है बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं जैसा कि हम मैंने अभी आपको लिंक के थ्रू स्पष्ट किया कि किस तरह से बहुत सारे लोगों ने लिंक के थ्रू ज्वाइन किया पर आज की क्लास में अगर हम देखें तो कितने लोग क्लास में इससे हम समझ सकते हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते लोग देखिए क्यों इतने कम लोग रह जाते हैं आगे बढ़ने से क्यों पीछे हट जाते हैं अपने कदम पीछे हट हटा लेते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते भगवान तक इतने सारे लोग क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान की अपराशक्ति मान लिया है वो, वो ये जानते हैं कि वो शरीर है वो आत्मा के लेवल पे नहीं सोच पाते हैं वो सिर्फ अपने आप को आत्मा के स्तर पे ही शरीर के स्तर पे ही केवल अपने आप को सोच पाते हैं और फिर इस तरह से जब वो अपने आप अपरा शक्ति मान बैठते हैं भगवान की तो वो माया के तीन गुणों में फंस जाते हैं जैसा भगवान ने अभी ऊपर बताया और अब जब तीनों माया के तीनों गुणों में जब वो फंस जाते हैं तो अब वो कैसे इन गुणों से निकल सकते हैं उसके सोल्यूशन के लिए भगवान अब आगे हमें बताने जा रहे हैं अब भगवान ने प्रॉब्लम तो बताया कि कैसे कोई फंस जाता है आगे नहीं बढ़ पाता है तो अब भगवान उसका सॉल्यूशन भी हमें आगे बताने जा रहे हैं तो श्लोक संख्या चौदह देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यंते माया मेतम तरंती थे भावार्थ प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कर पाना कठिन है किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो भगवान ही जब गुणातीत है भगवान तो भगवान ही हमें तीन गुणों से ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है तो वो ही हमें बचा सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हम किसी कमरे में बैठे हैं और हमारे दोनों हाथ बांध दिए जाए और हमारे सामने हमारा कोई मित्र बैठा है उसके भी दोनों हाथ बंधे हुए हैं हम दोनों ही बैठे हैं लेकिन हम दोनों के हाथ बंधे हुए हैं तो क्या हम दोनों एक दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकते हैं कभी नहीं मुक्त कर सकते एक ऐसा तीसरा व्यक्ति हमें चाहिए उस कमरे में जिसके हाथ मुक्त हो वही हमें बंधन से मुक्त कर सकता है यानी कि हम सभी जो गुणों में फंसे हुए हैं माया के जो ये बंधन है माया के तीन गुणों का जो प्रभाव है हम सभी पर है तो माया के इन तीन गुणों से हम ऊपर तभी उठ सकते हैं जब ऐसा कोई हो जो हमें जो उन गुणों से परे हो वही हमें इन गुणों से इन गुणों के बंधन से मुक्त कर सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी के घर जाते हैं और उनके घर पे उनका कोई पेट है कोई डॉग है उनका पेट है और आप उनके घर जाते जा हैं तो क्या होता है वो आपके ऊपर भगपने लगता है और अगर उसकी जंजीर खुली हुई है तो वो आपके पीछे पीछे भी आता है तो आपको मान लीजिए उससे डर लग रहा है तो आप उसके मालिक से बोलोगे ना कि आप इसको प्लीज हटा दीजिए ये मेरे पास आ रहा है या फिर मुझे डर लग रहा है तो वो क्या करेगा मालिक वो उससे बोलेगा ना हट जाओ यहाँ से जाओ पीछे के कमरे में जाओ उधर चले जाओ तो जब वो मालिक बोलेगा तो कुत्ता अपने आप ही वहां से हट जाएगा वो दूसरे कमरे में चला जाएगा या फिर मालिक उसको बांध देगा तो वो बंधा रहेगा फिर वो कुछ नहीं बोलेगा इस तरह से वह कुत्ता आपके पास से क्या होगा हट जाएगा तो माया माया के के मालिक मालिक कौन है माया के मालिक है स्वयं भगवान ना और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा देते हैं भगवान अपनी माया को वहां से हटा देते हैं पर हम माया की ही शरण में हमेशा जाते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम माया की ही शरण लेते हैं हमेशा तो भगवान की शरण में ना जा करके हम जब अपने आप को शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं अपने आप को शरीर की स्थिति के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम माया की शरण में चले जाते हैं इसीलिए हम भूल जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं हमारा क्या उद्देश्य है और हम भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं तो हमारा स्वभाव है सेवा करना तो सेवा करना है तो किसकी सेवा करना है माया की सेवा करनी है या फिर भगवान की सेवा करनी है क्योंकि हम जब भगवान को नहीं जानते हैं तो माया की सेवा करते हैं लेकिन जब हमारे ऊपर शास्त्रों का प्रभाव होता है साधु संतों की कृपा होती है तो फिर हम धीरे धीरे भगवान की जब सेवा करते हैं तो भगवान अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा देते हैं तो ऐसा बोला भी जाता है कि जेवेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास यानी कि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है तो भगवान की शरणागति करना है यही हमारा स्वरूप है श्लोक संख्या पंद्रह दुष्कृति नो मूढ़ प्रपथ्यंते नाध्र मृतज्ञा आसुरम भाव आश्रितात्पर्य जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण बता तो वो कौन कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं अब वो भगवान बताने जा रहे हैं तो भगवान सबसे पहले बताने जा रहे हैं ऐसे लोगों के विषय में जो भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं तो जो निपट मूर्ख है जो मनुष्य में अधम है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों में नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं तो चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं पहला भगवान ने बताया मूढ़ा यानी मूढ़ लोग जो होते हैं यानि कि जो मूढ़ा लोग होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं यानी कि निपट मूर्ख लोग मूढ़ा मतलब कि जो निपट मूर्ख है फिर भगवान ने बोला नराधमा यानी कि जो मनुष्यों में अधम है उन्हें क्या बोला जाता है नराधम बोला जाता है फिर भगवान ने बोला माया अप्रत ज्ञाना यानी कि ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है उन्हें बोला जाता है माया जा फिर चौथे लोग हैं आसुरम भावमाश्रित आसुरम भाव आश्रित यानी कि असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो चार प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं ये मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते हैं तो पहला जो मूड लोग होते हैं वो कौन होते हैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास भी करते हैं तो मूड़ लोग कौन होते हैं मूड लोग वो होते हैं जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं बहुत अधिक श्रम करते हैं ना बिल्कुल गधे की तरह सारे दिन या फिर मेहनत करते रहते हैं अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या करते हैं दिन भर खाते हैं और सोते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको इतना श्रम क्यों करना है इतना श्रम क्यों कर रहे हैं जानवरों की तरह बस ऐसे लोग क्या करते हैं काम करते रहते हैं इसीलिए ये मनुष्य नहीं होते इन्हें क्या बोला जाता है मूर्ख बोला जाता है जो दिन रात काम करते हैं जब समय मिलता है तो क्या करते हैं सो जाते हैं खाते हैं और सोते हैं फिर फिर दूसरे लोग जो नाराधम होते हैं वो कौन होते है? हैं नाराधम जो है वो मनुष्य तो है पर उसे ऐसे लोग को भगवान के विषय में नहीं पता होता भगवान के ज्ञान के विषय में नहीं पता होता है यानी कि बाहर से तो लगेगा कि बहुत ही सभ्य लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं पर ऐसे लोग जो होते हैं भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते हैं ऐसे तो लोग कौन होते हैं ऐसे लोग ऐसे राजनीतिक स्तर पे होते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर होते हैं बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट देखने में लगते हैं सभ्य होते हैं पर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं भगवान के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है तो मनुष्य तो है पर ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है मनुष्यों में अधम माना जाता है जो भगवान के विषय में जिन्हें नहीं पता होता है फिर तीसरा भगवान ने बताया कि माया या अप्रत ज्ञान ये लोग कौन होते हैं मैं कि इन्हें ज्ञान तो है ये बहुत ही नॉलेजेबल लोग माने जाते हैं पर भगवान का ज्ञान इनको नहीं होता है संसार का ज्ञान होता है माया क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि माया द्वारा इनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है तो इसमें जो कौन लोग आते हैं इसमें अः जैसे कि कुछ वैज्ञानिक लोग आते हैं कुछ दार्शनिक लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक लोग भगवान को नहीं मानते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भगवान को मानते भी हैं पर कुछ एक्सेप्शनल केस में भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं मानते हैं तो उनका ज्ञान जो है वो माया द्वारा हर लिया जाता है फिर चौथा है आसुरम भावमाश्रिता ये लोग कौन होते हैं तो असुरों की जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे लोग कहलाते हैं तो ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं तो एक तरह से इन्हें नास्तिक भी बोला जाता ये होते? होते है ये लोग क्या होते हैं नास्तिक होते हैं ये भगवान को नहीं मानते ये अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं जैसे कि हमारे पीछे हमारे शास्त्रों में जैसा कि बताया गया रावण है हिर्णय का है तो ये क्या कहते थे ये कहते थे कि मैं स्वयं भगवान हूँ अपने आप को ही सब चीजों का करता धर्ता मानते थे तो इनके अंदर बहुत अहंकार था जिसके कारण ये भगवान की शरण में नहीं गए भगवान के सामने थे ऐसा नहीं था कि भगवान दूर थे इनसे भगवान के सामने थे लेकिन ये पहचान ही नहीं पाए क्योंकि ये असुकी नास्तिक थे भगवान को मानते नहीं थे और स्वयं को भगवान मानते थे तो यहाँ पे इस तरह से भगवान ने चार प्रकार लोगों के लोगों के बारे में बताया जो भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते तो अब आगे के श्लोक में भगवान चार लोगों के विषय में बताने जा रहे हैं जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं प्रभुपात ने अपने पॉपलेट में बहुत अच्छे से सभी के बारे में डिटेल में बताया है आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा श्लोक संख्या सोलह चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जितना सुवर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भवार्थ हे भरत श्रेष्ठ चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु तो चार प्रकार की पुण्यात्माएं होती है जो भगवान की सेवा करती हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी तो यहाँ पे अब किन्हें आर्थ बोला जाता है किन्हें जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी बताया जाता है वो हम लोग जानेंगे तो अभी जैसे कोरोना का समय जब बीता था तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है मंदिर से जुड़े ना तो इस प्रकार दुख के समय में तो हम भगवान से क्या होते हैं जुड़ना शुरू कर देते हैं तो पहली कैटेगरी जो होती है ये ऐसे ही लोगों की आती है जो दुख में तकलीफ में जब उनके पर कोई समस्या आती है तो फिर वो भगवान के शरण में जाते हैं मंदिर जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे लोगों को आर्त बोला जाता है क्या बोला जाता है आर्त बोला जाता है दूसरी कैटेगरी जो आती है वो जिज्ञासु लोगों की आती है यानी कि कि ये लोग जिज्ञासा लेकर के जाते हैं भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं इनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस जिज्ञासा के साथ ये भगवान की शरण में जाते हैं गुरु की शरण में जाते हैं फिर तीसरा आता है अर्थार्थी यानी कि ऐसे लोग संख्या जो होती है आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है यानी कि जो लोग भौतिक लाभ के लिए अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए जब भगवान की शरण में जाते हैं जैसे भगवान आप मुझे आ, मेरा घर बनवा दीजिए मुझे यहाँ से पैसे की जरूरत है ये पैसे की कमी मेरी पूरी हो जाए नौकरी मुझे मिल जाए तो जब किसी भौतिक लाभ के लिए किसी भौतिक इच्छा के लिए भगवान की शरण में जब कोई जाता है तो उसे अर्थार्थी बोला जाता है और चौथा छो, जो श्रेणी आता है वो ज्ञानी का आता है तो ज्ञानी जो होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से जान चुके होते हैं भगवान के बारे में और फिर भगवान की शरण में ये जाते हैं तो इस तरह से ये चार प्रकार के लोग हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी जो भगवान की शरण में जाते हैं अब भगवान बताएंगे कि इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है और कौन भगवान को अति प्रिय है कौन भगवान को ज्यादा प्रिय है वो आगे के श्लोक में भगवान बताने जा रहा है ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मिय इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ तो ये नहीं कहा कि सिर्फ ज्ञानी ही मुझे प्रिय है लेकिन भगवान को सभी प्रिय हैं लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे ना भगवान की जो ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वो मुझे प्रिय है देखिए लिखा है इनमें से जो ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि इन चारों में जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है नहीं ज्ञानियों में भी वो ज्ञानी जो भक्ति में लगा है शुद्ध भक्ति में लगा है वो मुझे प्रिय है तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है यानी कि अगर हमें ये पता है कि भगवान कौन है और उनकी सेवा कैसे करनी है लेकिन नहीं कि हम अपने से कहानी बना करके भगवान की सेवा करना शुरू कर दें हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनकी सेवा हमें कैसे करनी है अगर हमें भगवान का पूर्ण ज्ञान है और हम अगर शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं तो ऐसे लोग भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं अति प्रिय होते हैं अत्यंत प्रिय होते हैं तो आप में से हो सकता है, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न हो तो बाकी के लोग भगवान को प्रिय क्यों क्यों नहीं है क्यों भगवान ने केवल ज्ञानी के लिए बोला कि वो मुझे अति प्रिय है या फिर वो मुझे ज्यादा प्रिय है पहला रीजन तो है कि वो शुद्ध भक्ति में लगे इसीलिए भगवान को प्रिय है दूसरा क्या कारण है हम वो भी जानते हैं जैसे मान लीजिए आर्थ है ना अगर उनके पास अभी तो दुख है तो वो भगवान की शरण में गए लेकिन हो सकता है कि जब वो दुख के क्षण खत्म हो जाए और सुख के क्षण आए तो वो भगवान को भूल भी सकते हैं ना अभी तो दुख का समय है मंदिर जा रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हो सकता है जब वो दुख के बादल छट जाए तो हो सकता है फिर वो भगवान के मंदिर जाना छोड़ दे ना भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ दे ऐसा हो सकता है या फिर अर्थार्थी है अभी तो पैसा चाहिए उनको तो नौकरी चाहिए घर चाहिए तो भगवान की शरण में जा रहे हैं लेकिन कल को जैसे ही नौकरी मिल जाती है या फिर जैसे ही पैसे मिल जाते हैं काम हो जाएगा तो हो सकता है भगवान की भगवान के मंदिर में जा रहे थे या भगवान की जो प्रार्थना कर रहे थे वो करना छोड़ दे ऐसा हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर जो जिज्ञासु में अभी तो जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन अब गुरु के शरण में जा रहे हैं जिज्ञासा लेकर के लेकिन जिज्ञासा हो सकता है जब शांत हो हो जाए जाए उनकी जिज्ञासा है वो दूर हो जाए, तो वो जाए, वो भगवान की शरण में ना जाए जाए वापस आ जाए, तो ऐसे लोग जो है वो हो सकता है नास्तिक बन जाए या फिर हो सकता है भगवान के पास पैसे के लिए गए और भगवान ने अभी कहा नहीं है इसको अगर पैसे अगर मिल जाते हैं तो हो सकता है ये दूसरे राह पे चला जाए या कुपत की ऐसे राह पे जाए जिस यहां पे इसको नहीं जाना चाहिए तो भगवान ने अगर उसको पैसे नहीं दिए उसकी नौकरी नहीं लगाई या फिर नौकरी उसको नहीं मिली तो उसका विश्वास हो सकता है बोले कि नहीं नहीं भगवान भगवान की शरण में जाऊंगा तो इच्छा को पूरी नहीं करते हैं और हो सकता है वो नास्तिक बन जाए तो इस तरह से ऐसे लोगों के नास्तिक बनने के भी चांसेस होते हैं लेकिन ज्ञानी जो होता है वो जब भगवान से इच्छा करता है भगवान से कोई चीज मांगता है तो वो उसको पता होता है कि भगवान अगर उसको देंगे तो वही देंगे जो उसके लिए अच्छा है अगर भगवान कोई चीज उसको नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो अभी उससे श्रेष्ठ भगवान कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं उसको देंगे तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है भगवान के लिए दृढ़ होता है भक्ति में दृढ़ होता है उसके पास भी दुख आएगा ज्ञानी के पास भी दुख आता है लेकिन वो भगवान की इच्छा मान करके उसको उसमें संतोष करेगा और इस तरह से भक्ति में दृढ़ रहेगा इसीलिए भगवान ने बोला है एक भक्तिर कि ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है जो परम ज्ञानी भी है और शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है श्लोक संख्या उदारा सर्वे ज्ञानी तात्मे वमे सही युक्ता गतिसंदेह ये सब उदार व्यक्ति है किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्व सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप रूप से प्राप्त करता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु तो निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं उदार सर्व यानी कि ये सभी विशाल हृदय वाले हैं यानी कि अभी जो हमने पढ़ा आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी भगवान कह रहे हैं कि ये सभी उदार चित्त है, वाले हैं ये सभी विशाल हृदय वाले हैं सभी भगवान को प्रिय है भगवान के लिए सभी प्रिय है तो भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो क्या कहलाता है वो महात्मा कहलाता है लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि वो अति प्रिय है भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं बाकी किसी को ऐसे लोग को फिर पसंद नहीं करता भगवान के लिए सभी प्रिय हैं लेकिन ज्ञानी जो है वो अति प्रिय है यानी कि आप ऐसा हम मान के चल सकते हैं ना किस मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि आप आपके दो बच्चे हैं आपने दोनों बच्चों को बच्चे व कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने दोनों को दस दस रुपए पकड़ा दिए और आपने बोला कि तुम लोग बाहर जा रहे हो कुछ खा लेना अपने लिए ना तो दोनों बच्चे बाहर गए दोनों बच्चों ने बाहर एक एक समोसा लिया और एक बच्चे ने समोसा खा लिया और दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं मैं घर जाकर के अपने पिता के साथ शेयर करके कर खाऊंगा अब वो बच्चा घर में लेकर के आएगा अपने पिता से बोलेगा कि पिता ने पूछा कि आप लोगों ने क्या किया उन दस रुपयों से तो पहले बच्चे ने बोला की मैंने समोसा खरीद के खा लिया दूसरे ने बोला की मैंने भी समोसा खरीद पिता पूछेगा ना कि तुमने क्यों नहीं खाया तो उसने बोला की अः uh, मैंने सोचा कि मैं घर जा करके आपके साथ शेयर करके खाऊं तो पिता क्या होगा पिता नहीं खाएगा समोसे वो वो समोसा ऑब्वियसली बच्चा खाएगा लेकिन बच्चे का भाव देख करके पिता के लिए वो पुत्र क्या हो जाएगा अति प्रिय हो जाएगा ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले पुत्र जो है उससे कहेगा कि नहीं nah, अब तो मेरे लिए प्रिय नहीं हो अब तुम तो अप्रिय हो मेरे लिए वो भी उसके लिए, उसके लिए उनके लिए प्रिय है लेकिन वो जो दूसरा पुत्र जो उनके विषय में सोचता है वो क्या होता है अति प्रिय हो जाता है तो भगवान यही चीज कह रहे हैं कि मेरे लिए सभी समान है सभी उदार चेता व्यक्ति है लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मेरे लिए अति प्रिय होता है वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किंतु ज्ञानी भक्त पौपट में कह रहे हैं किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता इसीलिए भगवान को ऐसे भक्त प्रिय होते हैं ज्ञानी जो है वह प्रिय होते हैं श्लोक संख्या उन्नीस बहुनाई जन्म नामनते वासुदेव सर्वमिति सु दुर्लभ तात्पर्य अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों को कारण जानकर मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है हरे कृष्ण तो ऐसा भगवान बता रहे हैं कि यानी एक जन्म जन्मांतर के बाद जैसे हमने कल अध्याय छह में पढ़ा था ना कि, कि किसी की भक्ति रुक जाती है तो अगले जन्म में फिर वहां से शुरू होती है फिर अगर रुकती है तो अगले जन्म में फिर से शुरू होती है तो ये जो जन्म जन्मांतर का प्रोसेस जैसे कि भगवान ने अध्याय छे में भी हमें बताया था तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वही चीज भगवान यहाँ पे एक बार फिर से बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है ज्ञान क्या होता है कि मैं कौन हूँ भगवान कौन है और मेरा भगवान से संबंध क्या है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है तो मनुष्य नाम सहस्त्रेशु जैसा भगवान ने, ने कि अभी तीसरे श्लोका में बोला कि कोई बिरला ही मुझ तक पहुंच पाता है फिर भगवान यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद इसे सचमुच ज्ञान होता है वो मेरी शरण में आता है और ऐसे महात्मा जो होते हैं भगवान बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं श्लोक संख्या बीस नंत न देवता तम तम नियमस्था प्रकृत्या जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव इसमें तीस श्लोका 25 तक हम कर लेंगे। है तो पांच श्लोक हम लोग कल कंप्लीट करके फिर अध्याय आठ हम शुरू करेंगे तो आप लोग अगर दस मिनट मुझे समय दे सकते हैं तो हम पांच श्लोक और कंप्लीट कर लेंगे आप जी धन्यवाद माता जी तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जैसे भगवान की शरण में ना जाकर के देवी देवताओं की शरण में जाते हैं क्योंकि भगवान के शरण में जब हम कोई इच्छा लेकर के जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान हमें हमारी समस्त इच्छाओं को पूरी करें क्योंकि भगवान हमारे भले के विषय में सोचते हैं हमारे अः क्या हमारे लिए उचित है क्या हमारे लिए अनुचित है उसका विचार करके हमें वो चीज दे, देते हैं हमेशा अगर भगवान को ये लगता है कि नहीं अगर मैं इसे ये चीज दूंगा तो ये भक्ति से भटक सकता है तो भगवान वो चीज फिर हमें नहीं देते हैं या फिर हम हो सकता है बहुत छोटी चीज मांग रहे हो और भगवान का विचार है कि उसे बहुत अच्छा देने के लिए कि बहुत बड़ा देने के लिए तो इसलिए भी भगवान हो सकता है कभी कभी डिले भी करते हैं तो लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं भगवान की शरण में जाओ तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं तो वो भटक जाते हैं ऐसे लोग किसकी शरण में फिर चले जाते हैं देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण को छोड़ करके शॉर्टकट ले लेते हैं ऐसे लोग और देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं और इस तरह से वो अपने मनमाने तरीके से पूजा करते हैं तो भगवान यहीं पे क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनकी भौतिक बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है यानी कि भौतिक इच्छाएं जो है इतनी प्रबल है कि बुद्धि और विवेक जो है विवेक बुद्धि को जिन्होंने खो दिया है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं ये चीज भगवान यहाँ पे बीस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं श्लोक संख्या इक्कीस हरि कृष्ण हरि कृष्ण मेरी आवाज आ रही है कृष्ण हाँ जी माताजी आवाज आ रही है जी श्लोक का पढ़िए माता जी अ माता जी अवंतीका माताजी, uh, माताजी, माताजी हरि कृष्ण जी जी माताजी पढ़ रहे हैं यो यो याय यांतनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ जैसे ही कोई किसी देवता की कि पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद अगर कोई और भी श्लोका पढ़ना चाहता है तो अपना हैंड रेस करके श्लोका पढ़ सकता है और अनुवाद भी पढ़ सकता है तो यहाँ पे इक्कीसवें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि, कि मैं परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में उपस्थित हूँ तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे पता चल जाता है कि किसकी क्या इच्छा है क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में और जब भी हम कोई इच्छा करते हैं तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं कि हमारी क्या इच्छा है और अगर देवी देवताओं के पास अगर कोई श्रद्धा रखता है देवी देवताओं के पास अगर कोई जाता है और देवी देवताओं में श्रद्धा रखता है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे भी बना करके रखता हूं ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे कि अरे तुम देवी देवताओं के पास क्यों चले गए तुम तो मेरे पास आने वाले थे तुम मेरे पास थे फिर तुम देवी देवताओं के पास चले गए नहीं भगवान कभी भी किसी को किसी के पास भी जाने से रोकते नहीं है बल्कि भगवान वहां पे भी अब श्रद्धा को क्या करते हैं दृढ़ करते हैं भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता हमें फ्रीविल दे रखा है भगवान ने भगवान कभी भी ऐसा हमें कभी, हमारी किसी भी इच्छा में भगवान अपनी दखल नहीं देते हैं और इसीलिए हम उस बात का फायदा उठाते हैं ना इसीलिए हम अपने मनमर्जी काम करते हैं अगर भगवान दखल दे तो शायद बहुत अच्छा है लेकिन भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता में हमारी जो इच्छा होती है उसमें दखल नहीं देते भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो स्वेच्छा से की जाती है अपनी इच्छा से की जाती है और ये बात भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेम कभी भी जबरदस्ती किसी से करवाया नहीं जा सकता है अपने प्रति तो भगवान नहीं चाहते कि कोई उनसे जबरदस्ती प्रेम करके उनके पास आए भगवान चाहते हैं कि जो भी उनसे प्रेम करे वो अपनी स्वेच्छा से करे अपनी इच्छा से उनसे प्रेम करके उनके पास जाए तब भगवान कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई भगवान के पास से किसी दूसरे के पास जाता है भगवान को कभी भी बुरा नहीं लगता बल्कि भगवान ही ऐसे हैं जो अगर हम देवी देवता के पास जाते हैं तो वहां पे भी भगवान हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने में हमारी मदद करते हैं भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते किसी भी चीज के लिए अपने पास आने के लिए तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते ली श्लोक संख्या बाईस। तो तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान एव विहितानि हितानि भवतः ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने या सिद्ध करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं के द्वारा जो आवश्यकताओं की पूर्ति लोगों की होती है वो एक्चुअली में मैं ही हूँ जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं मैं ही हूं जो उनको उनके वांछित फल देता हूं मैं ही हूं जो श्रद्धा को बढ़ाता हूं तो यानी कि भगवान के ही कारण सारी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है अगर हम देवी देवताओं के पास भी जा रहे हैं तो वहां पे भी भगवान ही है जो उसको सेंक्शन करते हैं क्योंकि देवी देवता भी जो होते हैं वो भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं उन्हें पता है कि सब कुछ भगवान का है भगवान की अगर चाहेंगे तो ही हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो जब हम देवी देवताओं के सामने कोई इच्छा रखते हैं तो देवी देवताओं उस इच्छाओं को भगवान के सामने रख करके उनसे सेंक्शन कराते हैं तब जाकर के वो हमारे लिए उस चीज को देते हैं तो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि देवतागढ़ परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है किंतु देवता इसे नहीं भूलते अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं तो प्रभुपात भी अपने के माध्यम से बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि देवता के भी हाथ में नहीं है कि हमारी इच्छाओं को पूरी करें वो भी भगवान से जब चीजों को सेंशन कराते हैं भगवान की जब इच्छा होती है तभी वो हमें दे पाते हैं तो इससे अच्छा ये ना कि हम देवताओं के पास फिर क्यों जाए हम डायरेक्टली भगवान के ही पास हमें जाना चाहिए ना हम क्यों शॉर्टकट लें हम क्यों घूम करके कहीं से जाए हमारे पास जब भगवान है भगवान से डायरेक्टली भगवान के पास हमें जाना चाहिए श्लोक संख्या तेईस अंत वो फल तेम कोई पड़ा तत्व मेध साम देवान देव जो यादि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित तो और क्षणिक होता है देवताओं की पूजा करने वाले क्षमा तो... कीजिएगा माता जी मेरा नेट का इश्यू हो गया था बीच में नेट ड्रॉप हो गया था इसलिए हम बोल नहीं पाएशो कोई नहीं माता जी प्रॉब्लम okay, no देवताओं की पूजा करने वाले देवलोग को जाते हैं किन्तु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं तो देवी देवताओं के द्वारा जो भी फल मिलता है भगवान बता रहे हैं कि वो फल जो है वो सीमित होता है और क्षणिक होता है यानी कि लिमिटेड होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है इसीलिए ऐसे लोग जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं भगवान ने उन्हें अल्प बुद्धि बोला है अल्प मेध साम, अल्प मेध साम ये हमने श्लोक में पढ़ा ना अल्प मेध साम, इसका मतलब होता है कि अल्प बुद्धि वाले होते हैं कम बुद्धि वाले होते हैं क्योंकि हम क्षणिक लाभ चाहते हैं हम क्षणिक लाभ के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम लिमिटेड लाभ के लिए भग... देवी देवताओं के पास जाते हैं हम अपने प्रेयस के लिए अब जो चीज हमको प्रिय है उसके लिए भगवान देवताओं के पास जाते हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं श्रेयस के लिए नहीं जाते यानी कि जो हमारे लंबे समय तक जो हमारे लिए हितकारी है उसके विषय में सोच ही नहीं पाते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए शास्त्रों में मिलता है कि रावण ने अपना सिर को कटवाया ना शिव जी के सामने शिव जी की तपस्या की और उसने बार बार अपने सिर को काटा और उसने बहुत सारे वरदान शिव जी से ले लिए लेकिन क्या हुआ वो सब छड़क रहा ना भगवान के द्वारा वो मारा गया लेकिन वही विभीषण जो था वो भगवान की उसने भक्ति की भगवान की शरण में गया तो क्या हुआ उसे पूरी लंका का राज्य मिला तो इसीलिए देवी देवताओं से जो हम चीजें मांगते हैं ना वो हमेशा छड़क होता है जैसे रावण ने जो मांगा क्या रहा छड़क रहा इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं बुद्धि बोलते हैं तो हमें देवी देवताओं के पास जब हम जाए ऐसा नहीं कि हमें देवी देवताओं के पास जा करके हमें इग्नोर करना है नहीं देवी देवता भगवान के परम भक्त हैं अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो हमें उनकी वैसे ही पूजा उपासना करनी चाहिए क्योंकि वो भी परम वैष्णव होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो हमें उनसे अगर कुछ मांगना है तो हमें उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए जैसे कि आता है भागवतम में भी कि जो गोपियां थी उन्होंने कात्यायनी देवी की जब पूजा की तो उन्होंने भगवान भगवान के प्रेम को मांगा उनसे कृष्ण को मांगा अगर हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो हमें उनसे बल मांगना चाहिए हमें उनसे मांगना चाहिए कि भगवान की आपने जिस तरह से सेवा की आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा कर पाए अगर सरस्वती जी के पास जाते हैं तो उनसे विद्या मांगे तो हम उनसे ऐसा मांगे कि कि हमें ऐसा ज्ञान हम उनसे मांगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए ना जैसे कि एक उदाहरण हम और लेते हैं कि एक बच्चा अगर किसी दुकान पे जा करके चॉकलेट खरीदता है डेली तो दुकान वाला डेली उससे पैसे लेगा और चॉकलेट उसको दे देगा बस उस, उसको ये परवान नहीं है कि उसकी चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकता है उसके सेहत पे प्रभाव पड़ सकता है ना उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुकान वाले को वो डेली चॉकलेट उसको देगा लेकिन अगर कोई माता पिता से अगर डेली कहेगा कि चॉकलेट के लिए तो माता पिता कहेंगे ना कि तुमने कल ही तो चॉकलेट खाया था आज फिर तुम चॉकलेट की डिमांड कर रहे हो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे बेटा तुम्हारा पेट खराब हो सकता है चॉकलेट अच्छी चीज नहीं है तो माता पिता डेली उसको चॉकलेट ला नहीं देंगे क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य के विषय में सोचेंगे लेकिन दुकान वाला उस बच्चे को डेली चॉकलेट देगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके दांत खराब हो रहे हैं किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसी तरह से भगवान जो है वो हमारे लिए माता पिता के समान है वो हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं तो कभी भी हमें भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए फटाफट हम लोग दो श्लोक और कर लेते हैं संख्या चौबीस व्यक्ति परम भाव मन जाना बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं, मैं अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है वे तो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु तो भगवान ने अभी बताया कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ लोग तो भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के देवताओं के पास जाते हैं लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निराकार रूप में पूजा करते हैं भगवान की भगवान कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हुए जो निराकार रूप में मेरी पूजा करते हैं मुझे निराकार रूप में मानते हैं तो भगवान ऐसे लोग को बोलते हैं अबुद्धया माम अबुद्धया ना जैसे श्लोक में भी लिखा हुआ है माम अबुद्धयासे लोग को मैं क्या बोलता हूँ अबुद्धिया बोलता हूं यानी कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति बोलता हूँ तो ऐसे अल्प ज्ञानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान भी मनुष्य के रूप में हो सकते हैं ना जैसे भगवान जब राम के रूप में आए कृष्ण के रूप में आए तो मनुष्य के रूप में आए भगवान सभी के सामने थे लेकिन भगवान को कोई समझ नहीं सभी नहीं समझ पाते थे तो इसी तरह से ये भी भगवान को नहीं जान पाते हैं तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं या फिर निराकारवादी होते हैं तो देखिए देखने में तो धार्मिक लगते हैं पर बाहर से पर भगवान को पूरी तरह से ये लोग नहीं समझ पाते तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो केवल कुछ ही लोग उन्हें भगवान के रूप में जान पाए लेकिन वहीं पे वो दुर्योधन के सामने भी थे धुतराष्ट्र के सामने भी थे लेकिन वो लोग भगवान को नहीं समझ पाए तो इसीलिए भगवान ऐसे लोग को क्या बोल रहे हैं यानी कि अल्प व्यक्ति श्लोक संख्या पच्चीस हम प्रकाश सर्व मया सवृत तात्पर्य मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं बल्कि भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं जो अल्पज्ञ होते हैं जब वो भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं तो भगवान भी अपने आप को उनसे क्या कर लेते हैं ढक लेते हैं और जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान को भगवान की ज्योति के रूप में मानते हैं तो प्रभुपाद भी अपने परपट में यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सभी के लिए दृश्य थे ना जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो सभी उनको देख पा रहे थे सभी के लिए दृश्य थे लेकिन केवल वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे लेकिन अगर बोला जाए प्रकट थे यानी कि भगवान को अगर कोई भगवान के रूप में देख पा रहा है तो वो बोला जाएगा प्रकट थे तो भगवान जो थे वो कृष्ण विद्यमान थे उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति लेकिन थोड़े से ही थे जैसे जब कुरुओं की सभा में शिशुपाल ने तो प्रात अपने परपट में बता रहे हैं ये जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष होने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया जब कुरुओं की सभा थी तो वहां पे क्या हुआ शिशुपाल ने जब भगवान के बारे में सुना कि भगवान को सभा का अध्यक्ष चुना जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया था लेकिन वहीं पे भीष्म जो थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि भगवान को अध्यक्ष बनाया जाए क्योंकि वो भगवान को पहचान गए थे वो भगवान को परमेश्वर के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया था इसी प्रकार से जो पांडव थे और भी बहुत कुछ अन्य लोग थे उन्हें भी भगवान के परमेश्वर के रूप में ज्ञान था इसीलिए उन्होंने भगवान को चुना सभा अध्यक्ष के रूप में चुना लेकिन वहीं पे कुछ अभक्त लोग भी थे कुछ सामान्य व्यक्ति थे जैसे कि मैंने बताया दुर्योधन थे धित्राष्ट्र थे शिशुपाल था तो शिशुपाल को तो बहुत क्रोध आया था उसने तो भगवान को बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोलना शुरू कर दी थी फिर भगवान को तो दर्शन चक्र निकाल के उसका सिर जो है वो काट सिर को अलग करना पड़ा धर से तो इस तरह से जो अल्पज्ञ होते हैं जो अभक्त होते हैं उनके लिए भगवान क्या करते हैं अपने आप को अंतरंगा शक्ति से ढक लेते हैं तो भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं जिसके फल अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते तो भगवान केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो भगवान के प्रेमामय भक्ति में करते हैं केवल वही भगवान को समझ सकते हैं और केवल वही भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं तो इस तरह से हमारा ये अध्याय का श्लोक संख्या 25 तक हमने पूरा किया है अब श्लोक नंबर 26 से लेकर 30 तक हम कल करेंगे और साथ ही साथ हम अध्याय आठ भी कल शुरू करेंगे हरे कृष्ण